नमस्कार दोस्तों, पैसा तो बनेगा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है जो आज मैं आपके साथ पूरा डिस्कस करूंगा, जो मैं काफ़ी सालों से फॉलो कर रहा हूं, मैंने काफ़ी लोगों को सिखाया है, बट मार्केट में अभी भी बहुत कम लोग उसके बारे में जानते हैं या तो उसका यूज़ बहुत ही रेयर लोग करते हैं। टेक्निक बहुत ही सिंपल है। जनरली होता क्या है, जब मैं कोई नया इंट्राडे ट्रेडर से मिलता हूँ तो उनका जो ब्रोकरेज का अकाउंट देखो तो इतने स्टॉक से भरा पड़ा रहता है। मैंने अपने लिए एक टेक्निक ढूंढी थी जब मैं इनिशियली इंट्राडे कर रहा था और ठोकरे खा रहा था, तब मुझे पता चला कि कई बार अगर आप एक स्टॉक के पीछे पड़ जाओ और उसमें जो प्राइस एक्शन की जो पैटर्न उभरती है उसके साथ अपना दिमाग अटैच कर लो तो आपको बड़ा पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। एक एग्जाम्पल बताता हूँ, काफ़ी लोग मुझे जानते हैं काफ़ी टाइम से, उनको पता है कि मेरा फेवरेट स्टॉक है जैसे कि डॉक्टर रेड्डी, L&T, SEC, ये सब मेरे काफ़ी सालों से फेवरेट स्टॉक है ट्रेडिंग के लिए। जब मैं ट्रेडिंग करता था तब मैंने SBI, जब SBI का स्टॉक स्प्लिट नहीं हुआ था तब मैं SBI में बहुत ट्रेड करता था। फॉर एग्जाम्पल एक ले लेते हैं डॉक्टर रेड्डी ले लिया, L&T ले लिया, कोई भी एक स्टॉक ले लिया। अब वो हर बार उसका ओपनिंग के बिहेवियर क्या होता है, हर बार जब वो हाई मारता है पूरे डे में, वो हाई मारने के बाद उसका बिहेवियर क्या होता है, अगर वो दिन के दौरान लो मारता है तो लो मारने के बाद उसका बिहेवियर कैसा होता है, अगर वो वीकली हाई मारता है तो वीकली हाई मारने के बाद उसका बिहेवियर कैसा है, अगर वीकली लो मार दिया तो उसके बाद उसका बिहेवियर कैसा है। तो ये तो मैंने 4-5 एग्जाम्पल दिए कि जो आपको सोचना है वो स्टॉक के बारे में, वो स्टॉक का बिहेवियर के लिए आप 20-25 चीज़ों का लिस्ट बना के उसके बारे में थोड़ा आप उसको ट्रैक करो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाएगी। फिर क्या होगा पता है, जैसे 6 महीना 8 महीना जाएगा ना तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको डॉक्टर रेड्डी के बारे में सब कुछ पता होगा और जो आपके पास रिसर्च पड़ा हुआ है उसमें से 70-80% चीज़ें ऐसी होगी कि आपको ऑन द स्पॉट ऐसी काम आएगी कि आप बहुत बड़ा प्रॉफिट बहुत ईजिली कमा पाओगे। तो इसको एक्चुअली बोलते हैं प्राइस एक्शन, और इसको मैं बोलता हूँ कि ज़्यादा स्टॉक के पीछे भागो उससे अच्छा कुछ स्टॉक को आप इस तरह से उसका इंट्यूशन अटैच कर लो आप कि आप बहुत सिंपल तरीके से बहुत आसान तरीके से उसमें से प्रॉफिट कमा लो। पिछले 3-4 सालों से मेरा फेवरेट स्टॉक रहे हैं जैसे मान लो कि डॉक्टर रेड्डी ले लो, SEC ले लो, L&T ले लो, ये काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं कि जब जब वो हाई मारते हैं, जब जब वो लो मारते हैं, जब जब वो गैप अप ओपन होते हैं या तो गैप डाउन ओपन, तो मुझे पता होता है कि इसका बिहेवियर क्या है, इसको मुझे कौन सी स्ट्रैटेजी से प्ले करना चाहिए। ठीक है, वो भी आपको ये सब आंसर मिल जाएंगे ना बाद में, आपको पता चलेगा कि ठीक है अब मुझे ये पता चल गया अब मैं कौन सी ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी इसमें डालूँ, फिर आप उसमें रिस्क मैनेजमेंट डालोगे और फिर आप ट्रेड करोगे तो आपका एक हैबिट हो जाएगा पैसा बनाने का। दुख की बात यह है कि हर रोज़ नए स्टॉक पे स्पेकुलेशन करना, हर एक नया स्टॉक एनालाइज करना, उसका सपोर्ट लेवल जानना, उसका रेजिस्टेंस लेवल जानना, उसका ये जानना, उसका वो जानना, उससे अच्छा है कि मैं एक डायरी रखूं, कुछ स्टॉक्स उसमें डाल दूं, थोड़े वोलेटाइल स्टॉक ताकि मुझे मूवमेंट मिलती रहे, तो कहीं पे पता नहीं चलेगा कि आज के 6 या 8 महीने के बाद आपके पास बहुत अच्छा एक प्राइस पॉइंट का एक रिसर्च आ जाएगा। अगर ये आप फॉलो करोगे ना तो मैं पर्सनल गारंटी आपको मैं देता हूँ कि आपकी जो इंट्राडे की जर्नी है ना उसमें 70-80% जो आप स्ट्रगल कर रहे हो ना, जितने लोग, वो आपकी स्ट्रगल बिल्कुल मतलब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आप मुझे याद करोगे। दूसरा, कहीं पे भी लाइफ में प्रॉब्लम हो इंट्राडे में, कहीं को भी अटको, ये जो मैं सजेशन दे रहा हूँ कि इस तरह से आप एक एक स्टॉक में से पैसा बनाने की ट्राई करो, तो कहीं के भी अटको तो मैंने मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है, मैंने ईमेल भी दिया हुआ है, काफ़ी लोग मेरे से बहुत लॉन्ग टाइम से जुड़े हुए हैं, किसी लोगों को हर 15 दिन में कोई क्वेश्चन होता है, 30 दिनों में क्वेश्चन होता है, तो इट्स अ जर्नी, कोचिंग इज अ जर्नी, इट्स नॉट लाइक वन टाइम प्रोसेस। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, कई बार आंसर इस तरीके से आपको मिलेंगे कि सर ऐसा हुआ तो, ऐसा हुआ तो, ऐसा हुआ तो एक टाइम क्या होगा कि आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए इस तरीके से, तब आपको प्रॉफिट बनाने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये मेथड जरूर ट्राई करो और जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम हो, कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा है, वर्कआउट हो रहा है, तो मेरे साथ फीडबैक शेयर करो, अगर शेयर करोगे तो आप लाइफ में आगे प्रोग्रेस कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो बस ये मैं वीडियो यहीं तक रखता हूँ, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।